आप सभी ने देखा होगा कि अभी हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान से ले सकते हैं आप लोग, नेपाल से ले सकते हैं, बांग्लादेश से ले सकते हैं हम लोग, फिर चाहे आपका भूटान की स्थिति देख लीजिए, भूटान ठीक स्थिति में हमारे साथ व्यवहार की बात करें तो, बाकी आप देखेंगे श्रीलंका से वैसे ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ देश हैं जो हमारी सीमा के कारण हमारे से विवाद चलते हैं, चाइना जिनमें से एक देख सकते हैं आप लोग, एक बार इनकी स्थिति देख लीजिए आप लोग। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत एशिया में देखने को मिलेगा, ये है हमारा प्यारा भारत। ये आपका श्रीलंका हो गया पड़ोसी, बांग्लादेश, आप जानते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है हमारी, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, और ये आपका चीन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पीओके वाले हिस्से की सीमा हमारे अफगानिस्तान से लगती है, जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है ये हिस्सा। अभी आपने देखा है अक्साई चीन को लेकर भी विवाद हुआ है, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए थे। नेपाल ने भी अभी नया मैप्स जारी किया, उसमें आपने देखा होगा कि विवाद की स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान ने फिर उसके बाद आपने देखा है कि नया मैप्स जारी किया, उसने जूनागढ़ तक को अपना बता दिया है, यहाँ समझ रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर अपने अंदर संभाल लिया। तो आज मेरा फोकस वैसे बांग्लादेश पर, मैन बांग्लादेश है, बाकी आप लोगों के बारे में सभी को देख चुका हूँ, पाकिस्तान से भी देख चुका हूँ, चीन से भी देख चुका हूँ संबंध, आपकी अफगानिस्तान से भी देख चुका हूँ, भूटान से भी देख चुका हूँ, और श्रीलंका से भी देख चुका हूँ, मालदीव से भी देख चुका हूँ आपका, समझ रहे हैं। तो मैन ये है मालदीव्स, तो आज अपना बांग्लादेश पर मेन फोकस रहेगा। अभी आपने देखा होगा तिस्ता नदी के प्रबंधन संबंधी एक परियोजना के लिए बांग्लादेश चीन से लगभग $1 अरब के रेट पर खर्चा पर चर्चा कर रहा है। ध्यातव्य है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी में पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। ऐसे में इस वार्ता के निहितार्थ तथा भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। एक बात और आप लोगों को बताता हूं, आपने देखा है कई हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि हमें अपनी विदेश नीति में झांक लेना चाहिए, सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि सबसे बुरे हालत हमारे नेपाल से ले लीजिए आप लोग। एक समय आप देखते थे कि नेपाल हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता था, आज वो जाकर चीन की गोद में बैठ चुका है। ईरान के मामले में आप ले सकते हैं कि ईरान में हम लोग चाबहार परियोजना का निर्माण कर रहे थे, और भी उससे जुड़े रेल प्रोजेक्ट थे, उन पर भी काम कर रहे थे, तो ईरान ने भी आपने देखा है चीन से समझौता कर लिया है। और बाकी सभी देशों को देखिए आप लोग कि चीन का कुछ ज्यादा ही निवेश हो चुका है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चीन का वैसा हालत है जैसा एक समय हमारे देश में साहूकारों का हुआ करता था। ये लोग क्या किया करते थे कि किसानों को इतना ऋण देते थे कि बाद में उस ऋण का ब्याज भी चुकाना पड़ता था, अगर किसान को तो साहूकारों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। एक समय लास्ट में ऐसा आता था कि साहूकारों को जमीन हड़प लेते थे किसानों की, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसानों की जमीन बिक जाती थी। यही क्या करता है कि चीन इतना ऋण दे देता है दूसरे देश को कि वो इतना कर्जदार हो जाता है कि वो कभी आवाज भी नहीं उठा पाता है। आप भी जानते हैं कि जब आप किसी से ऋण लोगे वो इतना ऋण आप पर हो जाएगा कि आप चुकाने में सक्षम ना हो, तो आप मुझे नहीं लगता है कि सामना वो उसका कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए खतरा भी है, क्योंकि आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्ती मतलब दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अमेरिका से दोस्त, चलिए रूस को मान लेते हैं, कभी अमेरिका से हम दोस्ती कर लेते हैं। आप पड़ोसियों को बदल के देखिए, आपके पड़ोसी तो भौगोलिक स्थिति के कारण आपसे जुड़े हुए हैं, इन्हें ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को उठा के हम लोग अमेरिका में फेंक दें, समझ रहे हैं। इनसे हमें रिश्ते रखना स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अच्छे रिश्ते होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश की इस परियोजना का उद्देश्य तिस्ता नदी के बेसिन का कुशल प्रबंधन करना है, बाढ़ को नियंत्रित करना और गर्मी के काल यानी कि ग्रीष्म काल में जल संकट से निपटना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बांग्लादेश और चीन के बीच इस तरह की ऋण संबंधी चर्चा ऐसे समय में चल रहा है जब लद्दाख में हुए गतिरोध के चलते भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाबहार पोर्ट और उससे जुड़ी जो भी परियोजनाएं थी वो हमसे कांटेक्ट हुआ था, हमसे समझौता हुआ था भारत से, उसमें चीन से, आप समझिए कि हमारे दुश्मन से अगर कोई हाथ मिलाता है, हमारा दोस्त जिससे हमारा बीच समझौता है, तो हमारे लिए ये अच्छा संकेत नहीं रहता। अब देखिए तिस्ता नदी का विवाद हमारे और बांग्लादेश के बीच में है,
इसमें तीसरी पार्टी आपकी शामिल हो जाती है चीन। इसलिए भी ये कुछ ज्यादा ही टेंशन का मामला है। तिस्ता नदी जल विवाद की बात करें तो हिमालय से उत्पन्न होने वाली और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जिसे जमुना नदी में विलय होने वाली तिस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच संभवतः सबसे बड़ा विवाद है। इसे भी आप देखते हैं कि ये भी विवाद अक्सर चर्चा में भी बना रहता है। तिस्ता नदी सिक्किम के लगभग पूरे मैदानी इलाके को कवर करने के साथ साथ बांग्लादेश के लगभग 2,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में को भी कवर करती है, जिसके कारण यह इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, देखिए वैसे आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में एक टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो भी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इनसे संबंधित, लेकिन जब भी आप पेपर देने जाते हैं उस समय अगर क्वेश्चंस बनता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पूछ लेगा कि वो आपका तिस्ता नदी जल विवाद हाल में ही चर्चा में था और एक किन दो देशों के बीच है और इन पर आप अपनी राय दीजिए, तो समझ सकते हैं आप लोग। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी तिस्ता नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सिक्किम और बांग्लादेश के लिए। इसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों की जीवन रेखा भी माना जाता है। कहा बंगाल में, बंगाल पश्चिम बंगाल। गौरतलब है कि दोनों देश सितंबर 2011 में जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में थे, किंतु पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आपत्ति जताई और इस समझौते को रद्द कर दिया। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये भी अलग अलग सरकारें होती हैं, जब राज्य में अलग है और केंद्र में अलग है तब इस तरह के समझौते भी कारगर नहीं होते हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सत्ता में आने के बाद जून 2015 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विश्वास दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से तिस्ता पर एक निष्पक्ष समाधान तक पहुंच सकते हैं। इस दौरे के 5 वर्ष बाद भी तिस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोगों को, कि हमारे देश में जो भी हम लोग समझौता करते हैं बड़ा टाइम लगाते हैं, सालों लग जाते हैं, सालों तक चलता रहता है, धीरे धीरे ढड़क रहा है एक तरह से। हम लोग बड़े जल्दी कर लेना चाहिए इसका। हम आज देख रहे हैं कि हम लोग हजारों अपने सैनिकों को खो चुके हैं कश्मीर को मामले को लेकर, फिर चाहे आप देख सकते हैं कि अभी चीन के मामले में देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश संबंध की बात करें हालिया परिदृश्य की, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई है, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश नया राज्य बना, देश बना, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। बांग्लादेश के साथ भारत का एक मजबूत संबंध भी रहा है, खासतौर पर बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता में आने के बाद से। बांग्लादेश को भारत के साथ अपनी आर्थिक और विकास संबंधी साझेदारी से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए यहाँ आपके पड़ोसी हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, अगर इनसे हमारे अच्छे व्यापार रहते तो आप समझिए कि ये दूर भी नहीं है, तो व्यापार भी आसानी से हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक होते, चीन से हमारे संबंध ठीक होते, तो हमें ईरान का सहारा नहीं लेना पड़ता अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए, हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे इनसे रिश्ते खराब होने के कारण हमें इतना घूम के जाना पड़ रहा है। और एक बात और याद रखिए इसमें, कि कहा जाता है कि 21वीं जो सदी है ये भारत यानी कि एशिया की सदी मानी जाती है। मेन तो आप देखते हैं मुख्यतः दो देश भारत और चीन, इनके पास सबसे ज्यादा आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या भी है, चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो आज के समय में आप समझते हैं कि जहां जनसंख्या अधिक है उन्हीं देशों का महत्व है, वही देश विकास कर सकते हैं। बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच होने वाली द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश में 9.21 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था
जबकि बांग्लादेश से भारत में 1.0 बिलियन डॉलर का आयात हुआ था। भारत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा उपचार, पर्यटन, रोजगार, मनोरंजन आदि के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को 15 से 50 लाख वीजा जारी करता है। भारत के लिए बांग्लादेश सुरक्षा और पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे और मजबूत रहें, खासकर एशियाई क्षेत्रों में जहां आतंकवाद का एक बड़ा खतरा भी है। आप भी जानते हैं कि आप, चलिए मान लेता हूं आप गांव में रहते हैं, किसी में आपका पूरा गांव आपसे जलता है, आपके किसी से नहीं बनती है गांव में, तो आपसे बाहरी लोग भी दोस्ती करने से डरेंगे। वो एक उनके मन में सवाल आएगा कि जब आपके पड़ोसियों से आपकी नहीं बनती है तो आपसे हमारी कैसे बन सकती है। तो इसे इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश पड़ोस पहले की नीति, पड़ोसी पहले की नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार भी रहा है। पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश ने महामारी से निपटने संबंधी कदमों पर काफी सहयोग भी किया है और भारत ने भी काफी सहयोग दिया है इन लोगों को दवाइयों के मामले में। एक मामला आप लोग सुनते हैं NRC और CA को लेकर भी बांग्लादेशियों के लोगों में चिंता है और इसीलिए कुछ विवाद ज्यादा खड़ा हो रहा है। भारत बांग्लादेश के संबंध भले ही शुरुआत से बहुत अच्छे रहे हो, परंतु बीते कुछ वर्षों में इनमें कुछ तनाव भी आया है, जिसमें प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC और बीते वर्ष दिसंबर माह में पारित हुआ नागरिक संशोधन अधिनियम CA ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीते दिनों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CA को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए कहा था कि हालांकि CAA और NRC भारत के आंतरिक विषय हैं, किंतु CAA का कदम आवश्यक है। बीते वर्ष जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान NRC भी चर्चा की गई थी और बांग्लादेशी पक्ष ने NRC के संबंध में अपनी चिंताएं भी जाहिर की थी। इस विषय पर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया था कि बांग्लादेश पर NRC का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भारत का आंतरिक विषय है। आपसे ही पूछता हूं मैं, आपके यहाँ जो भी बाहरी घुसपैठिए रह रहे हैं, आप अगर उन्हें निकालते हैं तो कहाँ भेजेंगे आप लोग? जिस देश के होंगे उसी में तो भेजेंगे। ये स्वाभाविक सी नॉर्मल सी बात है कि बांग्लादेश से आते हैं हमारे यहाँ अगर घुसपैठिए जो भी हैं प्रवासी, तो हम लोग उन्हें वापसी करेंगे, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरी जगह भेज देंगे। एक तो हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री हर कोई कह रहा है कि हम प्रवासियों को निकालेंगे अपने देश से जो भी इस तरह के घुसपैठिया है, और दूसरी तरफ हम उन्हें भरोसा भी दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूज एक तरह से रहते हैं कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस पर भी बांग्लादेश कुछ नाराज चल रहा है। चीन बांग्लादेश संबंधों का विश्वास की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आयात का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। वर्ष 2019 में दोनों से 20 देशों के बीच लगभग 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोनों देश चीन और बांग्लादेश के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार अधिकांशतः चीन के पक्ष झुका हुआ है, चीन के पक्ष में। हालांकि चीन ने बांग्लादेश से आयातित होने वाली 97% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की घोषणा की है। बांग्लादेश में इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत भी किया है। बांग्लादेश ने उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें बांग्लादेश से चीन में होने वाली निर्यात में बढ़ोतरी होगी। एक तरह से आप कहिए कि हम बांग्लादेशी की वस्तुओं को 97% वस्तुओं पर शून्य शुल्क लगाएं, यानी कि कोई सीमा शुल्क नहीं लगाएं, कोई टैरिफ ना लगाएं, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेशियों को जो भी बांग्लादेश है उसे फायदा होगा। तो चीन जानता है कि कितना व्यापार करेगा। चीन एक बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ा व्यापारी भी है, निर्यात भी करता है। आप जानते हैं हमारे ही बाजार में देख लीजिए कि चार फोन, आपको बता भी चुका हूँ कई बार कि इस तरह के कि अगर हम लोग चार फोन यूज कर रहे हैं तो उनमें से तीन फोन आपके चाइनीज कंपनियों के होते हैं। कच्चे माल में आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में हम 70 से 80% तक कच्चा माल चीन से आयात करते हैं। ये इस तरह के उदाहरण इसलिए देता हूं बार बार कि आप लोग मोबाइल और इस तरह के सामानों से जुड़े हुए हैं, आप बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। चीन ने बांग्लादेश को लगभग 30 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा भी किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत ने भी बांग्लादेश को 10 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिससे बांग्लादेश को भारत की वित्तीय सहायता 30 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। इस प्रकार बांग्लादेश भारत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी है।
इसके अलावा चीन के साथ बांग्लादेश की मजबूत रक्षा संबंध स्थिति को जटिल बनाता है, और वर्तमान में बांग्लादेश के लिए चीन सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, हालांकि इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। दरअसल बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान सेना कई अधिकारी जो चीनी हथियारों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, बांग्लादेश सेना में शामिल हो गए। इसलिए बांग्लादेशी सेना में चीनी हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है। बांग्लादेशी की सेना चीनी उपकरणों से लैस है, जिसमें टैंक हो गया, मिसाइल लॉन्चर, लड़ाकू विमान और कई हथियार प्रणालियां शामिल हैं आपकी। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से दो पनडुब्बियां भी खरीदी हुई थी। बांग्लादेश की सेना में चीन की पहुंच भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये स्थिति थी चीन और बांग्लादेश के बीच। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है कि तिस्ता नदी जल विवाद भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है। हालांकि अगले वर्ष होने वाली पश्चिम बंगाल के चुनाव से पूर्व इस मुद्दे को संबोधित करना काफी मुश्किल होगा। भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपनी भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु अपने दीर्घकालिक हितों के साथ साझा समझौता ना करें, और हमें भी अब सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ही हमसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं, मेंस में अधिकतर क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चर्चा में रहता है उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके।